धुआं छोड़ने वाली 1532 गाड़ियां बंद की गईं। बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी चलने वाले 18 ईंटों के भट्टों को सील कर दिया गया। माहौलियाती कमीशन की जानिब से 5 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करा दी गई है। मज़ीद जानने के नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक जी बिल्कुल, चेयरमैन जुडिशियल माहौलियाती कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जानिब से फोकल पर्सन सैयद माल हैदर ने 5 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी रिपोर्ट जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में जमा करवा दी गई है, जिसमें स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक हंगामी इकदामात किए गए हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मजमूई तौर पर 262 से जायद ईंटों के भट्टों की इंस्पेक्शन की गई और जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना करने पर 37 भट्टा मालकान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि 18 भट्टों को सील कर दिया गया है। इसी तरह से रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसे जो इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जिनकी फिजाई जो कि फिजाई आलूदगी फैलाने का बायस बन रहे हैं, उनसे मुतल्लिक 548 की इंस्पेक्शन की गई है, जिसमें से जो कायद व जवाबत पर पूरा ना उतरने पर 197 इंडस्ट्री यूनिट्स को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि स्मोक के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और मजमूई तौर पर धुआं फैलाने वाली गाड़ियों को लाखों रुपए जुर्माना किया गया है और तकरीबन 1500 से जायद गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जानिब से ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम जो महकमे हैं वो स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक मुकम्मल तआवुन कर रहे हैं और इनके तआवुन की वजह से स्मोक पर काबू पाने में बहुत मदद मिली है। कुछ ही देर बाद लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम इस केस की बाकायदा समाअत करेंगे और जिसके बाद आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाएगा। ठीक है मोहम्मद अशफाक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।